एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उनका हिमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हिमाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हिमाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हिमाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वो हिमाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हिमाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हिमाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हिमाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हिमाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हिमाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हिमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोड़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हिमाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
महर्षि के वचन सुन हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है।